हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक ट्यूबर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईओसी शेयर्स के बारे में। आईओसी का फुल फॉर्म बहुत कोई को पता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है या फर्स्ट टाइम विजिट करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अपडेट आते रहती है तो कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आईओसी शेयर्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन चले जाते हैं, यहाँ पे 83.25 रुपीज़ तक जाते हुए दिखी है। आज मार्केट में एक्सपायरी भी थी और यहाँ पे थर्सडे भी था, तो मार्केट की तो वो एक्सपायरी थी पर शेयर्स की नहीं थी, वो तो मंथ लास्ट थर्सडे में होती है। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ कहने की बात आती है, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर गई थी 84.50 तक, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिखी है। यहाँ पे 1.6 से प्लस ऊपर जाते हुए दिखी है, मतलब 1.6% से भी ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिखी है, पर क्लोजिंग उस तरीके से नहीं देखने को मिली है। उसके बाद अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली। बट इसी की जगह हम लोग निफ्टी 50 पे ध्यान दें तो निफ्टी 50 किस तरीके से फ्लो बनाई हुई थी जस्ट देख सकते हैं। निफ्टी 50 में भी अच्छा फ्लो देखने को हमें मिला था। अभी यहाँ पे एक और चीज़ पे मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा, यहाँ पे कितनी ही ज़्यादा होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, तो होल्डिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो होल्डिंग्स के साइड, जस्ट वेट, या यहाँ पे देख सकते हो होल्डिंग्स के साइड 45.01%, अच्छी खासी होल्डिंग्स बनते हुए दिखी। और निफ्टी 50 का देखें तो देख सकते इधर एक अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखा है, पर यहाँ पे उसमें अपोजिट, इधर मतलब ऑलमोस्ट बात करते पूरी की पूरी अपोजिट फ्लो देखने को मिली है, यहाँ पे उल्टा और नहीं तो गिरावट होते हुए दिखा है। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते समझते और जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अभी जिस तरीके से फ्लो बनाई हुई है 5 डेज पे देख सकते हैं अच्छी खासी ऊपर 5.85%। 1 मंथ पे ही चले जाते हैं तो देख सकते हैं 1 मंथ में अगर कंसोलिडेटिंग टाइम पीरियड को भी लेके चले तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी 77 से 83 की ग्रोथ बनाई और 7.91 ऑलमोस्ट 8% तक का फ्लक्चुएशन आपको दिखाते हुए मिली है। यहीं पे अगर बात करें 6 मंथ की तो 6 मंथ में देख सकते हैं कितना ही अच्छा कंसोलिडेट होते हुए दिखा, कितना ही अच्छा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बीच में देख सकते हैं बीच में बहुत लंबी कंसोलिडेट हुई है, तो मैं सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि अभी जिस पोजिशन में है तो यहाँ पे बाइंग एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है कि नहीं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से डिटेल में। तो चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने रेसिस्टेंस अब बनाया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलते हुए दिखेगी, पुरानी वीडियो आप लोग अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो ऑफकोर्स पुरानी वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो ये अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिखेगा, और ये कौन सी पॉइंट थी 80 रुपीज पे था, और फिर उसके बाद देख सकते हैं लगातार ऊपर बहुत ही अच्छा हिट करते हुए मिली है, अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिखी। और यहीं पे अगर बात करें सपोर्ट, तो सपोर्ट भी मैंने बताया था यहाँ पे सपोर्ट है, तो अभी भी सपोर्ट सेम तरीके से है, पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे एक जो ये क्रिएट होता है, अगर हम लोग बात करें, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूँ और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो अभी करंट सिनेरियो आती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आती है, और ये अगर ब्रेक होते हुए दिखती है तो बहुत ही दिक्कत की बात, मतलब दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, पर बहुत ही कम चांस है कि आपको ब्रेक होते हुए भी दिखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से डिलीवरी होते हुए दिख रही है इस पॉइंट पे, वो कहीं ना कहीं कम हो गई पहले के टाइम से। पहले के टाइम में अच्छी खासी डिलीवरी होते हुए दिख रही थी और अब वो चीज़ हमें नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आती है। और यहाँ पे आज के दिन, यहाँ पे जैसे हम लोग ने ये अभी टारगेट लिया है, तो यहाँ पे आज के दिन चेंजेस, यहाँ पे 284 जरूर टच करते हुए दिखी है, तो चांसेस रह सकते हैं कंसोलिडेट होते हुए दिखेगी। पर जिनको अभी बाइंग उठाना है तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो 86 के बाद बाइंग उठाइए, उसके बाद में भी ये और अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिख सके। पर अभी मेरे तरफ से ज़्यादा बाइंग के लिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ये अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे है। यहाँ पे सपोर्ट के साइड बात करें तो सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 81 से लेके 80 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ब्रेक होते हुए दिखती है तब टेंशन की बात है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जितना ज़्यादा हो अपने फ्रेंड कुलीग सबके साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस, इनफैक्ट हम लोग ये जितनी होल्डिंग्स बनी सब चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, और अगर कुछ स्पेशली कोई शेयर्स के बारे में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, डाउट होने पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माई बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।